हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि मोबाइल फोन से वेडिंग फोटोग्राफी एडिटिंग कैसे करें एल्बम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, देख सकते हैं पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा गाइस, ठीक है। इसको मैं यहां पर रोटेट कर लेता हूं तो अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं रोटेट कर लिया हूँ। सबसे पहले इसका पेज साइज़ आप लोगों को कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कस्टम में जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इस तरह से आप लोग यहाँ पर साइज़ आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा साइज़ मैं यहाँ पर कस्टम में लेके यहाँ पर यूट्यूब बैनर में सेलेक्ट करूँगा। आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग साइज़ बना के यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पेज यहाँ पर रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए बीच वाला में आप लोगों को क्लिक करना होगा, ठीक है, किस तरह से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा गाइस, ठीक है। सेव वाला ऑप्शन को इस तरह से आप लोगों को सेट कर लेना पड़ेगा जैसे आप लोग सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर इस तरह से सेव मिलेगा, तो आप लोग कोई भी सेव में आप लोग फोटो लगा सकते हैं और किस तरह से आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं देख सकते हैं। इस तरह से हो जाने के बाद मैं यहाँ पर डिजाइनिंग करूँगा इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। वेडिंग फोटोग्राफी इस तरह से किया जाता है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सा डिजाइनिंग करके दिखा देता हूं, ठीक है, साधारण सा कोई भी। तो इस तरह से मैं यहां पर करूंगा, करने के बाद यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको आराम से यहां पर सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद इसको क्या करूंगा, यहां पर स्ट्रोक थोड़ा मार दूंगा कोई भी कलर में तो अच्छा से पहचान में आएगा गाइस। तो इस तरह से मैं यहां पर कर लूंगा, कर लेने के बाद यहां पर देख सकते ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अभी इस साइड फोटो लाना है, उसके लिए प्लस में आप लोगों को क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में क्लिक करके आप लोगों का वेडिंग फोटो मिलेगा तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर गैलरी खुल जाएगा, तो गैलरी से इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आ जाने के बाद इस तरह से मैं यहाँ पर कोना में सेट करूँगा, जितना से आप लोगों को दिखाना है उसको आप लोग इस तरह से सेट कीजिएगा, ठीक है। छोटा बड़ा करके इस तरह से आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना से आप लोगों को दिखाना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सेट करूँगा गाइज, ठीक है, देखते जाइए बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। इस तरह से हो जाने के बाद इसको क्या कीजिएगा, बैक कर दीजिएगा तो पीछे चल जाएगा, तो इस तरह से बैक हो जाएगा। बैक हो जाने के बाद देखिए अभी कितना अच्छा सेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको लॉक कर दीजिएगा गाइज, लॉक हो जाने के बाद इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से हो जाने के बाद देखिए सेव में आप लोगों को क्लिक करना है। सेव में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टेक्सचर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सचर वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर गैलरी से आप लोगों को कोई भी फोटो ले लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ऐड कर लेना है। इसको आप लोग क्रॉपिंग भी कर सकते हैं किसी तरह से भी, जैसे भी आप लोग यहाँ पर क्रॉपिंग करके आप लोगों को इस तरह से ओके कर देना। ओके कर देने के बाद देख सकते हैं इधर साइड में लग गया फोटो, ठीक है। इसको अभी सेटिंग करना है, सेटिंग करने के लिए आप लोगों को टेक्सचर में क्लिक करके इस तरह से आप लोग यहाँ पर इस तरह से घसकाएंगे, जहाँ से आप लोगों को दिखाना है इस तरह से आप लोग कीजिएगा। तो देखिए अभी कितना अच्छा सेट हो गया गाइस, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पर किया हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, ओके करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से देखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप लोगों को सेव में क्लिक करना होगा, यहाँ पर देखिए सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। आप लोगों को और डिजाइनिंग करना होगा तो यहाँ पर आप लोग सेव वाला ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक कर लेने के बाद इस तरह सेव हो जाएगा। सेव बन जाने के बाद इसको अभी इस तरह से घुमा लीजिएगा, इसी सेव में भी आप लगाना होगा तो ये वाला भी एक डिजाइन होगा, कहीं भी आप लोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ इसका ऊपर में फ़ोटो लगाना होगा, तो टेक्सचर में आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको स्ट्रोक मार देंगे साइड में, और उसके बाद टेक्सचर है, टेक्सचर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कोई भी फ़ोटो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, जो आप लोग लगाना चाहते हैं वेडिंग वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको मैं यहाँ से क्रॉपिंग करता हूँ, क्रॉपिंग करने के बाद इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके कर दूंगा तो देख सकते हैं लग गया। इसी तरह से आप लोग अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके मुझे घुमा के इसको रख दूंगा, ठीक है गाइस, घुमा कर रख दूंगा। तो इस तरह से आप लोगों का हो जाएगा। हो जाने के बाद इतना करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद आप लोगों को फिर से आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है शुभ विवाह का, यहाँ पर PNG टैक्स वाला, ये सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर मैं कहीं भी लगा दूंगा जहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर रखूँगा और इसका यहीं पर रखूँगा, ठीक है, यहाँ पर रखने से अच्छा होगा। उसके बाद इसको क्या करूँगा, स्ट्रोक मारूँगा, ठीक है, दूसरा कलर का स्ट्रोक मारूँगा तो क्लियर आएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर
बहुत सारा कलर मिलेगा, तो आप लोगों को कोई भी कलर आप लोगों को ले लेना है। इसका थोड़ा स्ट्रोक विथ बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। कर लेने के बाद, हो जाने के बाद आप लोगों को सेव करना होगा, तो यहाँ पर सेव में क्लिक करना है और यहाँ पर अल्ट्रा मोड करके सेव टू गैलरी कर देना होगा। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा तो गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो चलिए आप लोगों को गैलरी में भी एक बार दिखा देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।